हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद आशा डिलीशियस फूड। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक गढ़वाली रेसिपी। इसका नाम है आलू मूली की तिचौनी। इस तिचौनी को सिलबट्टे में कूटकर क्रश कर बनाया जाता है और यह गढ़वाल की फेमस रेसिपी है और यह करी वाले होते हैं, तो इसको आप रोटी, पराठा, राइस किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गढ़वाल की फेमस रेसिपी आलू मूली की तिचौनी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चटपटी मज़ेदार आलू मूली की तिचौनी। तो खिचौड़ी बनाने के लिए मैंने एक फ्रेश मूली ली है और इसको छीलकर अच्छे से वॉश कर लिया है। ऐसे ही मैंने 4-5 आलू लिए हैं, इनको भी अच्छे से वॉश कर लिया है और अब इनको छील के छोटे छोटे पीसेज में मुझे कट करना है। तो ये देखिए, मैंने इनको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है और अब मैं इनको सिलबट्टे में 1 by 1 करके क्रश करूँगी। तो ये देखिए, सिलबट्टे में रख के मैं इनको बारीक बारीक कूट लूँगी और एकदम बारीक कूट कर हमें इसको एक प्लेट में अलग निकालना है। तो ये देखिए, मैं सबसे पहले मूली को कूट रही हूँ और सेम इसी तरह से मुझे आलू को भी कूटना है, तो इसीलिए मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं ताकि ये कूटने में इजी हो। तो ये देखिए, मैं 1 by 1 करके इनको कूट रही हूँ और इनको एक बाउल में निकाल रही हूँ और इसी तरह से सभी पीसेस को मेरे को कूट लेना है। तो ये देखिए, आलू और मूली को कूट कर मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और अब मुझे इसके लिए एक मसाला भी पीसना है। तो ये 4 से 5 हरी मिर्ची ली है, इनको मैंने 2 पीसेज में कट कर लिया है। 7 से 8 मैंने लहसुन की कलियाँ, 1 चम्मच जीरा और 3-4 काली मिर्च और 1-2 लौंग और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने लिया है। और अब इनको मैं एक सिलबट्टे में डाल रही हूँ और इनको पीस कर मुझे एक बारीक पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए, मैं इनको सिलबट्टे में पीस रही हूँ। आप हल्का सा पानी की बूंदें भी इनके ऊपर छिड़क सकते हैं। आप चाहें तो इस पेस्ट को मिक्सिंग जार में भी पीस कर पेस्ट बना सकते हैं, पर सिलबट्टे में पीस कर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। क्योंकि ये गढ़वाली रेसिपी है तो मैं इसको एकदम ट्रेडिशनल तरीके से सिलबट्टे में पीस कर ही बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको एक बारीक पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो इसका थोड़ा दरदरा पेस्ट भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, पेस्ट मैंने बना लिया और अब इसको मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ। इस पेस्ट को खिचौड़ी में डालकर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए, मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है और अब मैं 2 मीडियम साइज़ टमाटो मैंने लिए हैं, इनको मैं बारीक काट लूँगी और 2 ही मीडियम साइज़ मैंने प्याज लिए हैं। आलू मूली को भी मैंने क्रश करके प्लेट में निकाल लिया है और प्याज और टमाटर को मैं बारीक बारीक काट लूँगी। अब मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी है और इसमें मैंने 3 बड़े चम्मच मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है और अब ये मैं जख्या इसमें डाल रही हूँ। ये गढ़वाली मसाला है, आप चाहें तो इसकी जगह राई या फिर सरसों के दाने भी डाल सकते हैं, ये गढ़वाल में इजीली अवेलेबल होता है। तो ये देखिए, 1 टेबल स्पून जख्या मैंने इसमें डाल दिया है तेल के गर्म होते ही और अब मैं इसमें प्याज भी डाल दूंगी बारीक कटे हुए। तो ये 3 मीडियम साइज़ प्याज बारीक काट कर मैंने इसमें डाल दिए हैं और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। और अब 2 सूखी लाल मिर्च मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इस मिर्च को भी प्याज के साथ फ्राई कर रही हूँ और अब ये मसाला जो मैंने सिलबट्टे में पीस कर रेडी किया था इसको भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और प्याज के साथ इस मसाले को भी भून लेंगे। ये मसाला खिचौड़ी में ऐड करने से खिचौड़ी में बहुत ही अच्छा चटपटा, तीखा और चटकारेदार टेस्ट आता है। तो ये देखिए, मसाले को भी 1 से 2 मिनट तक हम प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन होने लगा है और अब हम इसमें अपने क्रश किए हुए आलू और मूली इनको भी ऐड कर लेंगे और इनको भी प्याज के साथ हमको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। तो ये देखिए, कंटिन्यू मिक्स करते हुए लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसको अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको फ्राई कर लिया है और ये थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो नॉर्मल मसाले हम ऐड कर रहे हैं, 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक डाला और 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं क्योंकि हमने हरी मिर्च भी इसमें ऐड करी थी। और 1 टेबल स्पून मैंने डाला धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून मैंने डाला है हल्दी पाउडर और मिक्स कर लेंगे सभी मसालों को और 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो मसालों को भी हमें अच्छे से आलू मूली के साथ फ्राई करना है। तो देखिए, 1 से 2 मिनट तक मैंने इसको फ्राई कर लिया और मैं ढक्कन से कवर करके लो फ्लेम पर 1 मिनट तक इसे कुक होने दूंगी ताकि आलू मूली में अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए, 1 मिनट बाद मैं ढक्कन हटा के देख रही हूँ, मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो ये देखिए, 2 मीडियम साइज़ लाल जूसी टमाटर खट्टे वाले मैंने लिए हैं और इनको मैंने बारीक काट लिया है। अब इनको भी मेरे को इस आलू मूली के साथ मिक्स करते हुए पकाना है। तो 1 से 2 मिनट तक इसको भी मैं ढक्कन से कवर करके स्टीम में कुक होने दूंगी लो फ्लेम पर। तो ये देखिए, 1 से 2 मिनट हो गए हैं और अब मैं ढक्कन हटा के चेक कर रही हूँ, टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और टमाटर भी हमारे गल गए हैं। तो
तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो इससे खिचौड़ी में बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो ये देखिए मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक हम फिर से इसे कुक होने देंगे। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट बाद मैं ढक्कन हटा के चेक कर रही हूँ, सब्ज़ी हमारी एकदम सॉफ्ट हो गई है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए ढक्कन हटाकर 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यू मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो ये मैं गुनगुना पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, तो 2 ग्लास गुनगुना पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमें ग्रेवी चाहिए और हमें इसको चावल के साथ खाना है। तो ये देखिए 2 ग्लास गुनगुना पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और अच्छे से मिक्स करते हुए फिर से ढक्कन से कवर करके 5 से 7 मिनट तक हम लो फ्लेम पर इसको कुक होने देंगे। पानी आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आपको रोटी के साथ खाना है तो आप पानी कम ऐड करें, लेकिन मुझे ये चावल के साथ सर्व करने हैं तो इसीलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी 2 ग्लास। अब आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर दिया है, आमचूर पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए अब ढक्कन से कवर करके लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसको कुक होने दूंगी 5 से 7 मिनट तक। हर 2-3 मिनट बाद ढक्कन हटाकर हम बीच में इसे मिक्स करते रहेंगे। तो इस तरह से लो मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे। तो ये देखिए मैं ढक्कन हटा के चेक कर रही हूँ, सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी है, और ये देखिए ये अच्छे से गल गए हैं। और अगर ये अच्छे से नहीं गले हों तो आप 1 से 2 मिनट तक इनको लो मीडियम फ्लेम पर फिर से कुक कर सकते हैं। और कढ़ाई का ढक्कन हमें अच्छे से लगाना है ताकि स्टीम अंदर ही बनी रहे और ये अच्छे से कुक हो जाए। तो ये देखिए अब मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी धनिया पत्ती इसमें ऐड कर दी है, और अब मैंने गैस ऑफ कर दिया है, और अब मैं इनको गर्मा गर्म राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। तो ये देखिए 1 प्लेट में मैंने गर्मा गर्म राइस, ये मैंने प्लेन राइस बनाए हैं, और थोड़े से सैलेड के साथ, तो ये मैंने थोड़ा सा कुकुम्बर का सैलेड इसमें रख लिया है, और गर्मा गर्म आलू मूली की खिचौड़ी मैं प्लेट में सर्व कर रही हूँ। ये एकदम चटपटी जायकेदार आलू मूली की खिचौड़ी हमारी बनकर रेडी है, और इनको मैं प्लेन राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। तो आप इस तरह इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, आपको इसे खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो आप भी गढ़वाल की ये फेमस रेसिपी खिचौड़ी एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में लगे बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस करें। तो ये देखिए चटपटी मज़ेदार चटकारेदार हमारी आलू मूली की खिचौड़ी बनकर रेडी है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो ये चटपटी मज़ेदार खिचौड़ी बनकर हमारी रेडी है, और अब मैं इसको गर्मा गर्म एक प्लेट में सर्व कर रही हूँ 1 चटपटी मिर्ची मसाला के साथ। तो ये देखिए हरी मिर्ची, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और चाहे तो आप इसके साथ अचार को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगली एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।